आज मैं आपको जो दिखा रहा हूँ डीएलएफ अल्टीमा टावर ई में एक फ्लैट दिखाऊंगा 3 BHK विद सर्वेंट रूम। सबसे पहले तो ये फ्लोर लॉबी है। इसमें क्या है, जैसे ये दो लिफ्ट है, ये दो पैसेंजर लिफ्ट है, एक है ये सर्विस लिफ्ट है। जो सर्विस लिफ्ट होती है वो लंबी होती है, या किसी को भी अगर मेडिकल को अगर आपको ट्रॉली वगैरह चाहिए तो इसी लिफ्ट में आएगी। फिर 4 अपार्टमेंट है, 2 अपार्टमेंट इधर है और 2 अपार्टमेंट इधर है। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं 1 नंबर यूनिट दिखाऊंगा टावर ई में, 1 नंबर यूनिट। ये हाईवे फेसिंग यूनिट है, तो हम जैसे ही एंटर कर रही है, दरवाजा अच्छे क्वालिटी का बना हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं अच्छे एकदम। और ये बायोमेट्रिक है, इसे की से भी खुल जाता है, वैसे थंब से और कोड से खुल जाता है। अगर वहां से आप देखते हैं पूरा अच्छा एल शेप में ड्राइंग डाइनिंग है, तो अच्छा स्पेस नजर आ जाता है। इसके साथ बैल्कनी भी अटैच है, उधर से देखिए अच्छा है। अगर आप इधर से भी देखेंगे तो आपका पूरा अच्छा स्पेस नजर आएगा। इसमें लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा जैसे छोटे से एरिया में मंदिर भी बना सकते हो, मंदिर भी हो गया, ड्राइंग डाइनिंग भी हो गया, और आप डाइनिंग टेबल भी यूज कर सकते हो। 2 लिफ्ट है, ये दो एसीज है, ये बिल्डर ने ही लगा के दिया है, डाइकिन कंपनी का है। और ये भी एक छोटा सा स्पेस एरिया। अब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये आपको बैल्कनी दिखा रहा हूँ, ये ड्राइंग डाइनिंग की बैल्कनी है। ये अच्छा स्पेस है, आप चेयर्स वगैरह बीच में टेबल वगैरह आराम से सिटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा यूज हो सकता है। सर्वेंट रूम है, इसके बाहर से भी एग्जिट है सर्वेंट रूम बाहर से। ये एरिया हो गया। अब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ किचन, किचन ये फुल्ली फर्निश्ड किचन है। इसमें ये डबल डोर का फ्रिज है, ये सब बिल्डर ने ही लगा के दिया। और ये चिमनी हॉब है, ये सब कबर्ड्स वगैरह सब बिल्डर ने ही करके दिया है। अगर आप इधर से भी देखते हैं तो पूरा अच्छा नजर आएगा। ये माइक्रोवेव, ये आपका सब सब कुछ बिल्डर ने ही करके दिया है। ये आपका डिशवाशर, मतलब सब तरीके से यहाँ पर गीजर भी लगा के दिया है, सब बिल्डर ने ही लगा के दिया। ये आपके आगे यूटिलिटी बैल्कनी, ये आला बिल्डर ने ही दिया, सीमेंस कंपनी के अप्लायंसेस है। यहाँ से आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहे हैं व्हाइट कलर के टावर, ये सब 4 BHK है। और 4 BHK ये में है आपका एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट, टू टू दी कोर, बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट में ऐसी चीजें होती है। और ये आपका सर्वेंट रूम है, सर्वेंट रूम भी अच्छा है, स्पेशियस है, आप इसको ऑफिस के तौर पे या कैसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ वॉशरूम अटैच है, क्या सर्वेंट का अपना सेपरेट वॉशरूम हो जाता है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए, आप ये दरवाजा बंद कर सकते हैं और यहाँ से सर्वेंट रूम का एग्जिट बाहर से हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि वो घर यूज न करें तो यहाँ से अपना बंद कर दिया, लॉक कर दिया, और आप कहीं भी बाहर सकते हैं सेंटेंस फ्री। वरना आप चाहते हो कि वो सर्वेंट वगैरह किचन यूज कर सकता है, तो वो क्या करता है, जैसे लोग ना इस दरवाजे को लॉक कर देते हैं, इसको लॉक कर दिया तो वो सर्वेंट अपना आराम से खाना पीना कर सकते हैं कुछ भी। अब मैं जो आपको दिखाऊंगा बेडरूम दिखाऊंगा, टोटल तीन बेडरूम दिखाऊंगा। ये देखिए एकदम स्पेस अच्छा है, ये थोड़ा छोटा सा है, लोग इसको स्टडी रूम के तौर पे यूज कर लेते हैं। उधर से भी आप देखेंगे क्या चिल्ड्रंस वगैरह के लिए हो गया। इसमें आपका वार्डरोब वगैरह सब बना हुआ है, फ्लोरिंग आपकी वुडन फ्लोरिंग है, वॉशरूम इसमें अटैच है, वॉशरूम में मटेरियल्स जो भी सैनिटरी आइटम्स है इन्होंने बहुत अच्छा यूज किया है। अच्छा पाह मतलब फ्लोरिंग वगैरह भी अच्छी की हुई है, बैथिंग के लिए बीच में मिरर भी लगा रखा है इन्होंने। सेकेंड बेडरूम में क्या है, इसमें वॉशरूम अटैच नहीं है, तो ये भी अच्छा है, वुडन फ्लोरिंग। यहाँ से भी अगर आप देखते हो तो अच्छा स्पेस, बेड वगैरह आराम से लग जाता है इसमें। इसमें भी वार्डरोब बिल्डर ने ही लगा के दिया है, मतलब ये ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें ना सेमी फर्निश टाइप का ही हो गया, ऊपर में भी कैबिनेट्स बने हुए। और अच्छी बात क्या है, इसमें VRV यूनिट्स है। VRV क्या है, एक सिंगल आउटडोर यूनिट है, इसका जो भी हवा है बाहर की तरफ जाता है, घर के आप आराम से यहाँ भी चेयर लगा के बैठ सकते हैं। आप यहाँ से अगर देखेंगे आपको जो ये स्क्वायर बिल्डिंग जो दिख रही है, ये DLF प्राइमस है। और यहाँ से आपको जो देखेंगे NH8 एकदम बगल में ही 800-900 मीटर के आसपास है। अगर मैं आपको कुछ थोड़ा सा गाड़ियों की मूवमेंट दिखा पाऊँ, हो सकता है इसमें ना दिखे। तो मेरा नाम अमित अग्रवाल है, इसमें अपने पास 3 BHK 4 BHK हर टाइप की यूनिट्स अवेलेबल है। जैसे ये तो टावर ई है, टावर ई में जो 3 BHK मिलता है 4 करोड़ के आसपास मिलता है। और हाँ, इस रूम में वॉशरूम नहीं था, तो इसमें आपको ये वाला कॉमन वॉशरूम मिलता है।
इसमें जैसे ये वॉश बेसिन के नीचे ये कैबिनेट्स भी बना हुआ है, वैनिटी जो बोलते हैं इसको। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मास्टर बेडरूम दिखा रहा हूँ, ये मास्टर बेडरूम तो अच्छा स्पेशियस है, वो आप क्या बेड यहाँ पर लगा सकते हैं, बेड यहाँ पर लगा दिया, और जैसे किसी को सोफा वगैरह लगाना है या टेबल चेयर लगाना है वो इधर लगा सकते हैं। अब इसमें क्या वार्डरोब का अलग अलग एरिया है, अलग क्लोजेट एरिया है, यहाँ पर ये पूरा क्लोजेट बना हुआ है वार्डरोब के लिए। टावर ई में क्या है, बाथरूम में आपका टब है, सब टावर्स में नहीं है ये, तो इसमें अच्छा सा स्पेशियस है। अब इसमें क्या है, जैसे इसकी जो मास्टर बेडरूम की बैल्कनी है ये एल शेप की बैल्कनी, थोड़ी सी ना आप दोनों साइड का व्यू देख सकते हैं। इधर हो जाता है आपका ईस्ट फेसिंग, धूप इधर से निकलेगी, इधर होते होते ये साउथ की तरफ आ गया, तो इसमें धूप विंटर्स में बहुत अच्छी खासी रहती है। और जैसे यहाँ से ना अरावली व्यू भी आपको बहुत अच्छा दिखता है। तो मेरा नाम अमित अग्रवाल है, आप अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करो, इससे क्या होता है लेटेस्ट अपडेट वगैरह मिलते रहता है। अभी डीएलएफ रिवाना भी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, उसमें भी हमने अच्छी बुकिंग लगाई, अपने पास द्वारका एक्सप्रेसवे में भी चीजें हैं, एक्सटेंशन रोड पे भी है। और अगर किसी को इस डीएलएफ अल्टीमा, ये जैसे नंबर वन प्रॉपर्टी है, किसी को रेंट पे चाहिए, सेल पे चाहिए, किसी भी चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मेरा नंबर विजिबल है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर और भी कुछ प्रोजेक्ट में देख रहे हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करें, वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।